नमस्कार, हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी मातृ एकेडमी को। आज आपण मानी टी अलग आ एक विषय वस्तु नहीं आसी UGC नेट परीक्षा एवं SSB परीक्षा बहुत समय रे छद्म नाम को नहीं अनेक गुड़े प्रश्न आसी था। छद्म नाम ताहले कौन प्रकृत में निजर नाम को लुचे अन्य कौन से एक नाम लेखा को प्रकाश कले आम छद्म नाम कह तेबे ओडिया साहित्य रे छद्म नाम किसी कम देखा जाए ओडिया साहित्य रे छद्म नाम बहुत परिमाण रे देखा जाए तेबे ओडिया साहित्य रे छद्म नाम कौन कौन रही से संपर्क में आज अल्प किसी आलोचना करिबा कारण प्रकृत में छद्म नाम ओडिया साहित्य रे एते अच्छी गोटे दिन रे आलोचना करहबनी तेणु आज अल्प आलोचना करिबा पुणी थरे बा आगामी अध्याय रे पुणी थरे आलोचना निश्चय करिबा। तेबे वर्तमान चलंतु देखि नबा कौन अच्छी प्रथम प्रश्न आपण छद्म नाम को नेकि पुणी थरे कहूँ आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ ओडिया साहित्य रे छद्म नाम। प्रथम प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करुच्छी। प्रश्नटी हेउची केउं छद्म नामटी फकीरमोहन सेनापतिंकर नुहे। आपण मानी चारोटी ऑप्शन रही श्री धुर्जटी, श्री पंचचंद्र धीरेन्द्र महांती आउ श्री उदासी। प्रश्नटी पुणी थरे कहुच्छी केउं छद्म नामटी फकीरमोहन सेनापतिंकर नुहे, अर्थात एही प्रश्नर जो चारोटी ऑप्शन रही भितर तीनोटी फकीरमोहन सेनापतिंकर छद्म नाम अटे, गोटे छद्म नाम फकीरमोहन सेनापतिंकर नुहे। तेबे एटी गोटे कथा मुझे कहवापी चाहेबी श्री उदासी। श्री उदासी एही छद्म नाम आपण माने जानिथिबे के व्यवहार करुथिले। श्री उदासी छद्म नाम रे मुकुर पत्रिकार धारावाहिक भाव में 6 संख्या रे असंपूर्ण उपन्यास केन्दुझर विद्रोह प्रकाशित होता। आउ ए श्री उदासी जे प्रकृत नाम अधिकारी से आउ के नुहंती से होछंती उमेश चंद्र सरकार, अर्थात उमेश चंद्र सरकार ही श्री उदासी छद्म नाम को व्यवहार करी केन्दुझर विद्रोह को रचना करथिले। तेणु श्री उदासी एही छद्म नाम टी फकीरमोहन सेनापतिंकर नुह, एहा हेउची उमेश चंद्र सरकारंकर। तेबे अन्य तीनोटी जो ऑप्शन आपण मानी थिला जेमिति कि श्री धुर्जटी, श्री आउ पंचचंद्र धीरेन्द्र महांती, ए तीनोटी जक छद्म नाम फकीरमोहन सेनापतिंकर। तेबे गोटे कथा एठी मु निश्चित भाव में कहवाक चाहेबी एही छद्म नाम गुड़ी को से केबे आउ केतेबेले केउ लेखारे व्यवहार करिछंदी। धुर्जटी एही छद्म नाम को व्यवहार करी से निजर प्रथम गल्प रेवतीर रचना करिछंती। केवल सेतिकि नुहे तांकर प्रथम उपन्यास 6 माण 8 गुंठ को मध्य एही छद्म नाम व्यवहार करी ही से रचना करिछंती। एपरिकी अपूर्व मिलन बा जहाँ परवर्ती समय लक्ष्मण नाम रे विख्यात थला ताकु मध्य से एही छद्म नाम अर्थात धुर्जटी को व्यवहार करी ही रचना करिछंती। फकीरमोहन सेनापति एक गल्प रचना करिथिले जहार ना होउची कुलकुंतला, जहाँकि उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होता। एही गल्पटी से श्री धुर्जटी एही छद्म नाम रे रचना करिथिले एवं ननांग पांजी एही व्यंग रचना से रचना करिथिले पंचचंद्र धीरेन्द्र महांती एही छद्म नाम रे। तेबे ठीक उत्तर आपणक निकट रे स्पष्ट, श्री उदासी एही छद्म नामटी फकीरमोहन सेनापतिंक द्वारा व्यवहृत होइना। तेबे परवर्ती प्रश्न कौन रही आपण मानी कंप्यूटर स्क्रीन रे देखि नबा। परवर्ती प्रश्न होउची फकीरमोहन सेनापतिंक धुर्जटी नाम किए देथिले। चारोटी ऑप्शन आपण मानी रही से निजे, मधुसूदन राव, राधानाथ राय ना उमेश चंद्र सरकार। तेबे धुर्जटी एही छद्म नाम संपर्क रे ता आलोचना कले ताहले एही छद्म नाम टी तांको किए देथिले ताहा होची आपण मानी प्रश्न, से निजे निजो को देथिले ना आउ किए देथिले। तेबे तार ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे मु प्रस्तुत करुच्छी। ठीक उत्तर होउची मधुसूदन राव। मधुसूदन राव केवल फकीरमोहन सेनापति को नुह, से अनेक लेखक को अनेक नाम एवं छद्म नाम प्रदान करथिले। तेबे आहुरे प्रश्न ए संपर्क में आपण मानी रही चलते देखि नबा कौन रही परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न को कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करुच्छी। राधानाथ राय दरबार काव्य को केउ छद्म नाम रे उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश करथिले। आपण मानी चारोटी ऑप्शन रही श्री धुर्जटी, श्री श्रीम आउ श्री राव।
तेबे राधानाथ राय दरबार काव्य को केउ छद्म नामरे उत्कल साहित्य रे प्रकाश करिथिले। राधानाथ राय दरबार काव्य एक छद्म नामरे रचना करिथिले आउ ताहा सर्वप्रथमे उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित हेथिला। तेबे प्रश्नटी आपणना पई केउ छद्म नामरे से एही काव्य को रचना करिथिले, तेबे ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे आपणना पई प्रस्तुत करूची। ठीक उत्तर होउची श्री। तेबे निश्चय एक प्रश्न उठे, ताहले राधानाथ रायंकर कौन ये गोटे छद्म नाम थिला ना अ किसी छद्म नाम मध्ये थिला? निश्चित भावरे थिला। आपण माने जानिथिबे एक लेखा जहाँ कि उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होउथिला, तार नाम होची नंदींकर टीपखाता। एही नंदींकर टीपखातार जे नंदी से होउछन्ते निजे राधानाथ राय, तेणु एही नंदी छद्म नाम मध्ये राधानाथ राय व्यवहार करछन्ति। परवर्ती प्रश्न को जीव, परवर्ती प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूची। प्रश्नटी होउची राधानाथ राय केउ छद्म नाम को व्यवहार करिछन्ती। चारोटी ऑप्शन आपण मानन पई रहिछि, श्री धुर्जटी, श्री राव नंदी आउ श्री राव। ठीक उत्तर तो मु कहि सल्लेनी, ठीक उत्तर होउची नंदी। आपण माननकु टिके आगरु ही मु से संपर्क रे कहली नंदी को टिपखाता एहाकु से नंदी नाम रे रचना करिछन्ती। परवर्ती प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन रे आपण आना पई प्रस्तुत, मधुसूदन राव केउ छद्म नाम को व्यवहार करिछन्ती। चारोटी ऑप्शन आपण आना पई रहिछि, ता भितर आपण बाछिया को हेबो केउ छद्म नाम टिकु मधुसूदन राव व्यवहार करिछन्ती। गोविंद, श्रीम, पंडित ना श्री। तेबे यार ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूछि। ठीक उत्तर होउछि श्री म। गोटे कथा निहाती कहिया को चाहिबी, उत्कल साहित्य रे हेममाला प्रकाश करथिले मधुसूदन राव, एवं एही हेममाला को से एही छद्म नाम अर्थात श्री मरे प्रकाश करथिले। परवर्ती प्रश्न कौन रहिछि देखिनबा कंप्यूटर स्क्रीन रे। परवर्ती प्रश्न होउछि मधुसूदन राव मुरारी छद्म नाम को व्यवहार करी कौन रचना करिछन्ती? शून्यस्थान पूरण करंतु। चारोटी ऑप्शन आपण मानन पई रहिछि, साबास साहित्य चर्चा साबास साबास, वर्णबोध, हिमाचली उदयोत्सव ना छंदमाला। आपण माने निश्चय सुनिथिबे इंद्रधनु और बिजुली रा कथा। इंद्रधनु एवं बिजुली मध्यरे एक कलह चलीथिला उपेन्द्र भंजंकु नै एवं राधानाथकु नै। उपेन्द्र भंजंकु एवं राधानाथकु केन्द्र करी ए जो कलह चलीथिला तार एक निष्कर्ष बाहर करिबा पई एक लेखा रचना करिथिले मधुसूदन राव, जार नाँ होची साबास साहित्य चर्चा साबास साबास। एहाकु से एक छद्म नाम रचना करिथिले। से जे केवल निजे छद्म नाम रचना करिथिले ताहा नुहे, बरं एही कलह सहित जो मैंने संश्लिष्ट थिले सेमानंकु मध्य एक एक छद्म नाम प्रदान करथिले। जेमिति कि आमे जानिथिबा मधुसूदन दासंकर अनुज जहांकर नाम होची गोपाल बल्लभ दास, जे कि गोलोक धंदा नाम रे परिचित थिले, तांकु से एक छद्म नाम प्रदान करथिले जहा होची धंदासुर। एभळी भाबरे एक सुंदर छद्म नाम से प्रदान करथिले। एभळी अनेक छद्म नाम अनेक जणंकु से प्रदान करथिले। तेबे ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूची। एही प्रश्नर प्रश्नटी थिला मधुसूदन राव मुरारी छद्म नाम को व्यवहार करी केउ रचना करिछन्ती। तार ठीक उत्तर होउची कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत साबास साहित्य चर्चा साबास साबास। परवर्ती प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन रे आपणना पई प्रस्तुत करूची। प्रश्नटी होउची दुर्मुख शर्मा छद्म नामटी कहार। चारोटी ऑप्शन आपण मानन पई रहिछि, नंदकिशोर बळ, गोपाल चंद्र प्रहराज, गोदावरीश मिश्र एवं गोदावरीश महापात्र। यार ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूची। ठीक उत्तर होउची गोपाल चंद्र प्रहराज। कुहा जे गोपाल चंद्र प्रहराज पिलादिने कलह प्रिय थिले, सेथिपै तांकु समस्ते एही दुर्मुख शर्मा नामरे डाकुथिले। एही श्रद्धा नामटी परवर्ती समय रे तांकर छद्म नामरे मध्य परिणत हेगला। तेबे एही छद्म नाम को व्यवहार करि से मिया साहेबंकर रोजाना मच्चा एवं भागवत टुंकी रे संध्या, बाई महांतींकर पांजी, ए सबु से प्रकाश करिथिले जहाकि उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न देखिनबा कोन रहिछि आपण मानंक पई।
प्रश्नटी होउछि गदगद चिंतामणि केउं छद्म नामरे रचित होइथिला। चारोटी ऑप्शन आपण मानै रहिछि कविमन्यु सामंत सिंहार, सभ्यमन्यु सामंत सिंहार, अभिमन्यु सामंत सिंहार एवं पांडु सामंत सिंहार। तेबे गदगद चिंतामणि केउं छद्म नामरे रचित होइथिला? तेबे सर्वप्रथमे देखिबा एहाको के रचना करथिले। एहाको रचना करथिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। एवं से एहाको केउं छद्म नामरे रचना करथिले ताहा मुँ आपणक निकटरे कंप्यूटर स्क्रीन प्रस्तुत करुच्छे, ताहा होउछि कविमन्यु सामंत सिंहार। तेबे आउ गोटे कथा, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केवल गोटे छद्म नाम को व्यवहार करनाहांती, से अनेक गुड़े छद्म नाम मध्य व्यवहार करछंती। तेबे से गुड़िक कौन थिला ताहा परवर्ती प्रश्न रे आपण माने स्पष्ट हो पारिबे। आपण मानक पई परवर्ती प्रश्न प्रस्तुत करुच्छे। परवर्ती प्रश्नटी हला केउं छद्म नाम लक्ष्मीकांत महापात्रंकर नुहे। लक्ष्मीकांत महापात्रंकर आ भितरु तीनोटी छद्म नाम रहिछि, गोटे छद्म नाम तांकर नुह। चुटिया मूसा, तिक्तचरण दास, दहीपान एवं पाणीपणा आ भितरु केउं छद्म नामटी लक्ष्मीकांत महापात्रंकर नुहे। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अति सुंदर भावरे चुटिया मूसा एही छद्म नाम को व्यवहार करी नव रामायण रचना करछंती। ठीक से भली भावरे दहीपान एही छद्म नाम को व्यवहार करी से भविष्य रामायण रचना करिछंती। आउ जे भली भावरे अन्य एक छद्म नाम तिक्तचरण दास एहा को व्यवहार करी से ओडियांग चिंता एही रचनाटी से करिछंती। तेबे पाणीपणा एहा तांकर छद्म नाम नुह। तेबे तांकर अन्य एक छद्म नाम रहिजी निश्चित भावरे आपण मानू जानिले बहुत आनंद लागिबो। अलग प्रकार छद्म नामटे ता होउची कपिवर नालक नवेश, एही छद्म नाम रे मध्ये से रचना करिछंदी। तेबे परवर्ती प्रश्न देखिनबा कंप्यूटर स्क्रीन रे कोन रहिजी आपण मानू पई। ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे आपण मानू पई प्रस्तुत हे सारिछि। ठीक उत्तर होउची पाणीपणा। परवर्ती प्रश्न प्रस्तुत करूछि कंप्यूटर स्क्रीन रे केउं छद्म नाम अर्णद शंकर रायंकर नुह। बंगोत्कल, सु आलोक कुमार एवं सहराय केउं छद्म नाम अर्णद शंकर रायंकर नुह। ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूछि। ठीक उत्तर होउछि सहराय। गोटे कथा मुँ एटी कहिया पई चाहिबी, सबुज जुगर प्रतिष्ठाता अर्णद शंकर राय अनेक गुड़े छद्म नाम को धारण करते। गद्य रचना गुड़ी को सु बंगोत्कल, श्री सबुज, हरित, आलोक कुमार यही नाम कविता प्रबंध गुड़ी को अ राय नाम से प्रकाश करुले। उत्कल साहित्य पत्रिकार नर चक्षुरे नारी, भारतर चित्रशिल्प, साहित्यिका ए सब प्रबंध को एवं प्रलय प्रेरणा, सृजन स्वप्न, मानसी और मु जौवन थरे कले आउ आसेना ए सबु कविता गुड़ी को अरे नाम से प्रकाशित करिथिले। एवं हरित, सु, श्री सबुज आउ लोहित छद्म नाम जुगबीण प्रबंध समूह को रचना करिथिले। तेबे आउ गोटे मध्य गुरुत्वपूर्ण कथा मुँ एठी कहिया पई चाहिबी, केवल ओडिया साहित्य रे नुह, से बंगाल साहित्य रे मध्य अनेक लेखा तो रचना करिथिले। एहा आपण माने जानंती तबे बंगाल साहित्य रे मध्य से छद्म नाम को धारण करथिले आ से छद्म नाम होउछि लीलामय राय। तबे तांकर छद्म नाम संपर्क रे त जानिले। तबे देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि आपण मान पई। परवर्ती प्रश्न को कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूछि। परवर्ती प्रश्न डी होउछि केउ छद्म नाम कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर नुह। एहा होउछि आजिर आपण मान पई शेष प्रश्न। केउं छद्म नामटी कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर नुह। चारोटी ऑप्शन आपण मानक पई रहिछि आगबोला, अरूप, लोहित एवं बंदी सैनिक। यार ठीक उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन रे प्रस्तुत करूछि। ठीक उत्तर होउछि लोहित। तेबे ए संपर्क रे किछि कहिया पई चाहिबी, बाजी राउत नामक एक कविता जहाँकि कृषक पत्रिकार 1938 मसीह प्रकाशित होता एवं परवर्त समय 1947 मसीह आगामी पत्रिकार प्रकाशित होता। तेबे यह जितेबले 1938 मसीह कृषक पत्रिकार प्रकाशित होता यह एक छद्म नाम से प्रकाश करते ताहा बंदी सैनिक। तेबे आजपाई एति आलोचना कले
किसी छद्मनाम संपर्क में आहरी अनेक एभली भाव कि जना कि अजणा रही छद्मनाम संपर्क में आशा करुच्ची आज आलोचना आपण मैं निश्चय भल लगी जो मैंने ठीक उत्तर दे जो मैंने उत्तर दे समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँगी आज विदाय नौ आगामी अध्याय पुणी थे भेट हेब यह भाव में किसी नुआ नुआ प्रश्न को नहीं तेब विदाय नौ नमस्कार शुभरात्रि।